पहले इसके हम इंग्रेडिएंट्स पढ़ लेते हैं। डिक्री मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन विच सो फार एज रिगार्ड द कोर्ट एक्सप्रेसिंग इट कंक्लूसिवली डिटरमिन्स द राइट्स ऑफ द पार्टीज विद रिगार्ड टू ऑल और एनी ऑफ द मैटर्स इन कॉन्ट्रोवर्सी इन द सूट एंड मे बी आइदर प्रिलिमिनरी और फाइनल इट शैल बी डीम्ड टू इंक्लूड द रिजेक्शन ऑफ प्लेंट द डिटर्मिनेशन ऑफ एनी क्वेश्चन विद इन सेक्शन 1 एंड एन ऑर्डर अंडर रूल 60, 98, 99, 101 और 103 ऑफ ऑर्डर 21। अच्छा, अब ये मैं यहाँ तक समझाती हूँ। यहाँ पर बात हुई है फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन। फॉर्मल एक्सप्रेशन मीन्स अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ लॉ। एडजुडिकेशन मीन्स जुडिशियल डिसीजन, मतलब के अदालती फैसला कानूनी तकाजों के मुताबिक देना है, ठीक है। विद रिगार्ड टू सो रिगार्ड द कोर्ट एक्सप्रेसिंग इट, मतलब इसका रेफरेंस किसकी तरफ दिया जा रहा है, जो कोर्ट इसको दे रही है, जो कोर्ट डिसीजन कर रही है। आगे क्या है, कंक्लूसिवली डिटरमाइंस द राइट्स ऑफ द पार्टीज। कंक्लूसिवली डिटरमाइंस का मतलब है कि एब्सोल्युटली कंप्लीटली वो किस चीज का तयन कर रही है, पार्टीज के राइट्स का जो कॉन्ट्रोवर्सी से रिलेटेड है। आगे लिख भी दिया है कि विद रिगार्ड टू ऑल और एनी ऑफ द मैटर्स इन कॉन्ट्रोवर्सी इन द सूट, ठीक है, जिनके हवाले से तनाजा है, वो सारी के सारी या उनमें से कुछ मामलात को रिजॉल्व कर रही है। अब डिक्री दो किस्म की होती है, एक प्रिलिमिनरी होती है और फाइनल होती है। प्रिलिमिनरी में ये होता है कि कुछ प्रोसीडिंग्स डिस्पोज ऑफ हो जाती हैं और फर्दर प्रोसीडिंग्स पेंडिंग होती हैं। मतलब ऐसे कुछ दावे हैं जो कि आगे आप ऑर्डर 20 के रेफरेंस से भी पढ़ेंगी, जिनमें एक पूरी लिस्ट दी है कि तकरीबन मेरा ख्याल से रूल 12 से स्टार्ट होता है ऑर्डर 20 के, कि इनमें प्रिलिमिनरी डिग्री पास होती है पहले, ठीक है। उसके बाद कहा गया कि डिटर्मिनेशन, अच्छा आगे कौन से फाइनल, ये हो गया ना कि प्रोसीडिंग्स डिस्पोज ऑफ हो गई हैं। आगे इसमें कौन से ऑर्डर्स इंक्लूडेड हैं, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट पे अगर ऑर्डर दिया जाता है तो उसे डिग्री कंसिडर किया जाता है। 144 के तहत अगर फैसला होता है, 144 क्या है, एप्लीकेशन ऑफ रेस्टिट्यूशन, उसमें जो फैसला होगा वो भी डिग्री कंसिडर किया जाएगा। 144 आपको क्लियर है ना कि जिस अदालत ने अगर डिसीजन रिवर्स कर दिया है, मॉडिफाई कर दिया है, तो उसमें अगर कोई आपका बेनिफिट रन प्रॉफिट बनता है ना, तो उसी अदालत में आप एप्लीकेशन देंगे, ना कि आप नया दावा दायर करेंगे। तो उस पे जो ऑर्डर होगा वो भी क्या कहलाएगा, डिग्री कहलाएगा। उसके बाद ऑर्डर 21 जो कि नहीं, रेस्टिट्यूशन का मतलब ये होता है कि जो पुराना आपका, अगर लेट्स सपोज आपके खिलाफ कोई दावा चल रहा था, आपका किसी के खिलाफ चल रहा था, तो आपके खिलाफ कोई दावा हो गया, आपने फिर उसके ऊपर कोई अपील की है, तो फिर आपको रेस्टिट्यूशन हुई है। जाहिर बात है वो उसी में आपका रिवर्सल होगा ना, ठीक है। हाँ, तो फिर रिवर्सल हो गया, तो जितनी देर आपका उसमें जो बेनिफिट बनता था, वो जो आपको देंगे वो रेस्टिट्यूशन जी। उसके लिए आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, उसके लिए आप नया दावा दायर नहीं करेंगे। उस पर जो ऑर्डर होगा वो डिग्री की कैटेगरी में डाल दिया है, ठीक है, चलो। उसके अलावा ऑर्डर 21 में कुछ रूल्स का प्रिस्क्राइब किए गए हैं जिसके तहत जो ऑर्डर पास होता है वो डिग्री होता है। जैसे कि रूल 60 का जिक्र किया गया है। रूल 60 का मतलब है कि जब प्रॉपर्टी अटैचमेंट से रिलीज कर दी जाती है, ठीक है। रूल 60 के बाद 98 का यहाँ पर जिक्र है। 98 का इसमें कहा गया है कि जब जजमेंट डेटर ऑब्स्ट्रक्शन करता है या प्रिवेंशन करता है कि आप अपनी प्रॉपर्टी ना ले सकें, तो उस पर जो ऑर्डर्स होंगे वो भी डिक्री होगा, ठीक है। उसके बाद 99 आ गया। 99 में ये है कि जब बोनाफाइड क्लेमेंट की तरफ से ऑब्स्ट्रक्शन होती है या रेजिस्टेंस वो शो करता है। 99 के बाद 101 है। 101 में ये बताया गया कि जब बोनाफाइड क्लेमेंट को उसकी पोजेशन रिस्टोर कर दी जाती है, ठीक है। 105 पढ़ने से और किसे? अच्छा नहीं, इसमें 60 में बताया है कि वो जो अटैचमेंट वाली बात है, 98 में क्या बताया? अटैचमेंट से रिलीज कर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको 98 का जिक्र किया। 98 में होता है कि जब जजमेंट डेटर ऑब्स्ट्रक्शन शो करता है और उस पर जो ऑर्डर्स पास होंगे, तो वो उसमें क्या कहते हैं, वो ऑर्डर जो होगा वो डिग्री कंसिडर होगा। 99 के तहत जब क्या कहते हैं, बोनाफाइड क्लेमेंट रेजिस्टेंस शो करता है, और जब 101 के तहत बोनाफाइड क्लेमेंट को पोजेशन रिस्टोर कर दी जाती है, और 103 के तहत कुछ ऐसे ऑर्डर्स हैं जो कि कंक्लूसिव कंसिडर किए जाएंगे उसके उसके लिए,
आप कोई दावा नहीं दायर कर सकते, बार्ड है, ठीक ठीक है। तो इन पे जो भी ऑर्डर्स होंगे वो डिग्री में कंसिडर किए जाएंगे, सही हो गया। आगे अब हम चलते हैं आगे, अब वो क्या चीज इंक्लूड नहीं कर रहा, बट शैल नॉट इंक्लूड एनी एडजुडिकेशन फ्रॉम विच एन अपील लाइज एज एन अपील फ्रॉम एन ऑर्डर, मतलब के जो अपीलेबल ऑर्डर है, ठीक है, वो डिग्री की कैटेगरी में नहीं आते। अब आपको कैसे पता चलेगा कि किस ऑर्डर के खिलाफ अपील हो सकती है, तो एक तो 104 में बताई गई है लिस्ट, और एक ऑर्डर 43(1) के तहत बताई गई है। इसमें कैटेगरीज बताई गई हैं कि जिसमें, अच्छा, कि जिसमें ये बता दिया गया कि इन तमाम ऑर्डर्स के खिलाफ आप अपील में जा सकते हैं। दोबारा रिपीट करती हूँ, सेक्शन 104 के तहत है, और एक है ऑर्डर 43(1) के तहत एक पूरी लिस्ट दी गई है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बताया गया है एनी ऑर्डर ऑफ डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट, देखें अदम पैर भी खारिज हो जाता है उस पे जो ऑर्डर होता है ना वो डिग्री कंसिडर नहीं होता, ठीक हो गया। अच्छा, बाकी एक्सप्लेनेशन में बता दिया गया कि प्रिलिमिनरी डिग्री वो कहलाएगी जिसमें फर्दर प्रोसीडिंग्स रहती हैं, और अभी फर्दर सूट कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ होने वाला रहता है अभी, ठीक है। उसके बाद फाइनल वो होता है जिसमें कम्प्लीटली डिस्पोज ऑफ होता है। फिर उसने ये भी बता दिया कि पार्टली प्रिलिमिनरी भी हो सकता है, पार्टली फाइनल भी हो सकता है। इधर से ही आपको इम्प्लाइडली काइंड्स मिल गई, एक प्रिलिमिनरी डिग्री होती है, एक फाइनल डिग्री होती है, पार्टली प्रिलिमिनरी होती है, पार्टली फाइनल होती है, और क्या कहते हैं सेक्शन 144 के पे ऑर्डर होगा वो भी डिग्री की कैटेगरी में हो गया। ऑर्डर 21 जो, हाँ हाँ जी, ये जो प्रिलिमिनरी डिग्री है ये बेसिकली जिस तरह मेन प्रॉफिट की पहले आपको बता दी उसके बाद फिर पोजेशन की इस किस्म की डिग्री होती है। हाँ जी, वो जिसमें पोजेशन और मेन प्रॉफिट्स आप क्लेम करते हैं, पार्टीशन का दावा है, रेंडिशन ऑफ अकाउंट्स का दावा है, तो इसी में होता है। हाँ जी, रेंडिशन ऑफ अकाउंट्स बेसिकली किसके तहत होता है, रेंडिशन ऑफ अकाउंट्स ये तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत आप दावा दायर करेंगे ना, और जो आप नहीं रेंडिशन ऑफ अकाउंट, हाँ जी, किस सेक्शन के तहत, मतलब स्पेसिफिक रिलीफ के, डैमेजेस में तो नहीं आएगा ना रेंडिशन ऑफ अकाउंट्स। एक पोजेसरी रिलीफ है, एक हाँ हाँ बोले पोजेसरी है, मैंडेटरी है, प्रिवेंटिव रिलीफ है उसके अंदर, तो ये किस में आएगी रेंडिशन ऑफ अकाउंट्स? सीपीसी में स्पेसिफिक प्रोविजंस है, एसआरए में तो कोई स्पेसिफिक नहीं है। हाँ, तो सीपीसी वाली कौन सी हैं? आप सीपीसी में ये एक तो इसमें स्पेसिफिकली पार्टनरशिप एक्ट आ जाता है, और सीपीसी में ऑर्डर 20 है। ऑर्डर 20 में ना एक मिनट जरा ठहरे, मैं आपको बता देती हूँ ऑर्डर 20 का रूल 16 है, मतलब 15, 16, 17 ये तीनों आ रहे हैं रूल्स, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसका जिक्र पढ़ा, बाकी स्पेसिफिकली तो ये पार्टनरशिप एक्ट में आता है, ठीक है, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद अब आपको क्लियर हो गया होगा कि काइंड्स ऑफ डिग्री कौन सी हैं, और बड़ा ये एग्जॉस्टिवली मैंने इसको एक्सप्लेन किया है डिग्री को अपने हैंड में, बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि फर्दर इसको जरूरत है। उसके बाद डिग्री होल्डर कौन होता है, जिसकी फेवर में डिग्री को पास किया जाता है, ये एग्जीक्यूशन की जाती है, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट है, सबसेक्शन 4, डिस्ट्रिक्ट क्या होती है कि प्रिंसिपल सिविल कोर्ट की जो एक लोकल लिमिट्स है ना, जिसके अंदर रहकर वो अपनी अथॉरिटी को इस्तेमाल कर सकती है, तो वो उसकी डिस्ट्रिक्ट कहलाएगी, और वो कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहलाएगी। और इसमें हाई कोर्ट अगर सिविल ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन इस्तेमाल करती है ना, तो वो भी इसी में आती है, ठीक हो गया। ठीक है, मतलब जहाँ पे भी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है वो उसको कहेंगे, मतलब ओरिजिनल है, मगर डिस्ट्रिक्ट का कोर्ट जो होता है वो तो वही नहीं है जो डिस्ट्रिक्ट का हाईएस्ट कोर्ट है, इसमें हाई कोर्ट की कैसे आ गई इससे? इस तरह कह देना हेडक्वार्टर सिविल सेक्टर में, तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ही होती है ना सिविल कोर्ट्स में जो सबसे बड़ी अदालत है, तो हाई कोर्ट देखें सिविल ज्यूरिसडिक्शन भी होती है और क्रिमिनल ज्यूरिसडिक्शन भी होती है, वैसे तो कहा जाता है कि नीचे ट्रायल कोर्ट्स हैं, लेकिन जब डायरेक्टली कॉग्निजेंस लेगा ना हाई कोर्ट, वो उसकी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन कहलाएगी। तो सिविल साइड पे जब डायरेक्टली कॉग्निजेंस लेगा, ऐसे कुछ मैटर्स हैं जैसे कि कंपनी मैटर्स हैं, तो वो डायरेक्टली हाई कोर्ट में सुना जाता है, बेंच बनाया हुआ है, ऐसे ही है ना, आप नया लॉ पढ़े हैं तो उसमें यही बात है। ऐसा ही, हाँ, तो वो फिर डायरेक्टली उसकी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में आएगा।
जी बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, अच्छा ठीक है। उसके बाद सबसेक्शन 5 पे आते हैं जिसमें फॉरेन कोर्ट्स का जिक्र किया गया है। फॉरेन कोर्ट्स है जो कि पाकिस्तान के बियॉन्ड लिमिट्स कोई कोर्ट सिचुएटेड है, जिसमें पाकिस्तान की और फेडरल गवर्नमेंट की कोई अथॉरिटी नहीं है। ठीक हो गया, अच्छा जी। उसके बाद सबसेक्शन 6 फॉरेन ठीक जजमेंट से रिलेटेड है, फॉरेन कोर्ट की जो जजमेंट फॉरेन जजमेंट कहलाएगी। ठीक हो गया। सबसेक्शन 7 में गवर्नमेंट लीडर का जिक्र किया गया है, जो कि ये कहा गया कि ऐसा ऑफिसर जिसे प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है, जिसे वो तमाम वो पावर्स को ऑथराइज है परफॉर्म करने में जो कि CPC के तहत दी गई हैं गवर्नमेंट लीडर को, या जो कि गवर्नमेंट लीडर की डायरेक्शन के अंडर काम कर रहा है। बात समझ आ रही है? सबसे पहले हमने हाँ सब जी, सेक्शन हाँ 2 से हाँ स्टार्ट हुए थे, डिग्री पढ़ा, फिर डिग्री होल्डर पढ़ा, डिस्ट्रिक्ट पढ़ा, फॉरेन कोर्ट, फॉरेन जजमेंट, गवर्नमेंट लीडर पढ़ा। उसके बाद सब सेक्शन 8 में हम जज पढ़ने लगे हैं। जज में कहा गया है कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है सिविल कोर्ट का, ठीक है, अच्छा। जी उसके बाद सब सेक्शन 9 में बताया गया जजमेंट। अब जजमेंट की वर्डिंग चेक करें, जजमेंट मीन्स अ स्टेटमेंट गिवन बाय द जज ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ डिग्री और ऑर्डर। मतलब डिग्री और ऑर्डर ऑर्डर जो दिया गया है, जिन वजूहात पे दिया गया है, उस हवाले से जो जज ने स्टेटमेंट दिया ना, उसको जजमेंट कहते हैं। मतलब आप इसको स्टेटमेंट्स भी कह रहे हैं, आप इसको रिमार्क्स ऑफ द कोर्ट भी कह रहे हैं, आप इसको फाइंडिंग्स ऑफ द कोर्ट भी कह रहे हैं, ठीक है, और इसे आप ऑबिटर डिक्टा भी कह सकते हैं। ठीक है, आपको अच्छा, पता है इसमें मुझे प्रेसिडेंट? बताएं जो जजमेंट पहले, हाँ जजमेंट जो है वो पहले अनाउंस होती है और डिक्री बाद में जारी होती है। सॉरी, क्या कह रही हैं? जजमेंट? मैंने जजमेंट पहले अनाउंस होती है और डिक्री बाद में जारी होती है। जी ऐसे ही है, उसके मुताबिक डिग्री फॉलो होती है, बिल्कुल सही है। देखिए जजमेंट पहले, उसमें क्या होती है, जजमेंट 3 चीज़ों से मिलके बनी है, ठीक है। एक तो उसकी फैक्चुअल कंट्रोवर्सी आप लिखेंगी, ठीक है, उसके बाद बताएंगी फाइंडिंग्स ऑफ द कोर्ट, अदालत ने क्या ऑब्जर्व किया है, और उसके बाद रीजंस बिहाइंड एनी डिसीजन। और मेरे ख्याल से यही ग्राउंड्स हैं सिविल और क्रिमिनल में कि कौन सी चीज़ों को डिटरमन करना है, उस पर क्या फैसला दिया गया है, और उन फैसले की वजूहात क्या हैं। ऐसे ही है ना, तो वो अच्छा नहीं, जजमेंट मतलब में ये सिविल चीज़ें जो, आपकी। हाँ हाँ अब जी जिस तरह बोलिए। लेट सपोज हम जजमेंट राइटिंग की बात करें, पहले हम उसमें जी बात जी करेंगे वही वाले, राइट दिस जजमेंट, आई एम डिस्पोजिंग ऑफ दिस सूट, इस तरह से करके, जिसमें पहले फैक्ट्स ऑफ द केस आ जाएंगे, उसके बाद फिर आ जाएगा उसके बाद उसके एविडेंस की बात होगी, एविडेंस नहीं, पहले फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज की बात होगी कि क्या क्या इश्यूज थे, फिर उस उन इश्यूज के ऊपर क्या क्या एविडेंस आया वो होगा, फिर उसके बाद उसका रैशनलाइज करेंगे, रीजनिंग होगी, और फिर उसका फाइनल जजमेंट का ऑपरेटिव पार्ट होगा। ऐसे ही है। हाँ जी ऐसे ही है, वो मुख्तसर मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, हमेशा याद रखें कि एज अ जज पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी जजमेंट के कितने हिस्से हैं। देखें सबसे पहले कहानी ही बयान होती है, चाहे वो प्लेंटिव साइड से है या चाहे वो डिफेंडेंट ठीक साइड है, से है। उसके बाद फिर ठीक हो गया। ऑब्जर्वेंस ऑफ द कोर्ट होती है, ठीक है, ऑब्जर्वेंस ऑफ द कोर्ट के बाद लास्ट पैराग्राफ हमेशा डिसीजन होता है, उसी के आप मुझे मुताबिक थोड़ा सा आपने लिखा लिखवा था। भी दें सर, 1 सेकंड, या मुझे लिखवा देंगे जरा, 1 मिनट। मैंने आपको बताया कि जजमेंट के पहला जो हिस्सा है ना, पहला हिस्सा है फैक्चुअल कंट्रोवर्सी है, एक मिनट, उसके एक बाद फैक्चुअल, फाइंडिंग्स ऑफ कोर्ट है, इसी के साथ आप एडिशन पर क्या करते हैं कि आप अगर कोई प्रेसिडेंट इस्टेब्लिश है उसका जिक्र कर देती हैं, ठीक है ना, फाइंडिंग्स ऑफ कोर्ट, उसके बाद प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट अगर कोई मौजूद है, जजेस यही करते हैं ना, हाँ जी, मतलब इस्टेब्लिश कोर्ट केसेस प्रेसिडेंट को, बता हाँ देते हैं। हाँ, उसके बाद आप रेशियो डिसाइडेंडी लिख देते हैं, मतलब रीजंस नहीं, एक मिनट ठहरेंद्रा, के आप इसको कर लें जुडिशियल, ये 3 चीज़ों पे जजमेंट बनती है, फिर इसी के मुताबिक डिग्री शीट तैयार कर दी जाती है, जिसका ये मतलब होता है कि पार्टीज के राइट्स डिटरमिन हो गए। हाँ जी, नहीं, रेशियो डिसाइडेंडाई जो है, इसके अंदर इश्यूज लिखेंगे पहले, डिटरमिन हुआ।
ये याद रखिएगा, अब आखिरी बार बता रही हूँ। और बिटर डिक्टा जो होती है ना, वो वो डिक्टेशन बाय ऑफ दी होती है, हाँ रिमार्क्स होती हैं, बाय द वे कमेंट्स। हाँ बाय द वे रिमार्क्स, हाँ डिक्टेशन ऑफ कोर्ट। नहीं, ये पहले आएंगे या रेशियो डिसेंड आए पहले आते, डिसाइडेंड आए? आप इसको पहले लिख लें या इसके बाद लिख लें, उसकी कोई मतलब पहले रिमार्क्स ही आते हैं, उसके बाद उसकी रीजंस भी दे दी जाती हैं। मतलब ये ठीक। अमेलगेमेटेड है ना, मिक्स है, कॉम डिक्टेशन ऑफ द कोर्ट आ गई है और उसके बाद रेशियो डिसाइडेंडी ठीक। आ गई। ठीक है, ये इसे आप कहते हैं रीजंस। ठीक है। रीजंस बिहाइंड एनी डिसीजन, हाँ जी यहाँ तक क्लियर है मेरी बात? हाँ अब जी तो नहीं क्लियर। बोलना चाहिए, ये आप अपने चार्ट में बना भी सकते हैं। देखें, जैसे कि वो आज मैं एक लाइन पढ़ रही थी ना स्टूडेंट के साथ, कि शरिया जो फिक्का है ना, वो ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग का नाम है, कि जो बिल्कुल। आप डिवाइन लॉज आपके सामने सामने रखे जाते हैं ना, तो आप उसको क्या समझे हो, उसी तरह लॉ भी कुछ ऐसा ही है कि आपने क्या फाइंड आउट किया है, उसको किस तरह से एक्सप्लेन किया है, यही लॉ है। ठीक। ठीक है, सही। अच्छा उसके बस बाद वो आ जो जाता डेवलप है, हाँ जी लॉज को बोलिए, अप्लाई भी तो करना है ना केसेस के ऊपर। तो वो जुडिशियल माइंड एप्लीकेशन इसी को तो कहते हैं, सिर्फ अल्फाज का हेर फेर है। ऐसा ही है। ठीक हो गया, ठीक है। हाँ आगे चल सकती हूँ। जी हाँ जी बिल्कुल। आई एम लेकिन ये श्योर अब वो जरूरी है इसका डायमेंशंस रोशन हो गई ऐसे होंगी। क्या हाँ जी, कह रहे हैं? डायमेंशंस रोशन हो गई होंगी आपकी। हाँ मैं यही तो चाह रही थी कि हो जाए क्योंकि यही चीजें हैं जो कि फिर इंडियन कॉन्सेप्ट देखें। वैसे तो सिविल सूट में ये हुआ ये हुआ ये हुआ तो ठीक है, लेकिन जब आपने लिखना होता है उसमें थोड़ा सा ठीक हो जाए बात तो बेहतर है। ठीक है जी, आगे चलें फिर। अच्छा उसके बाद है जजमेंट डेटर्स ऑफ सेक्शन 10, मीन्स एनी पर्सन अगेंस्ट हुम अ डिग्री हैज़ बीन पास्ड और एन ऑर्डर कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन हैज़ बीन मेड। ठीक है, जिसके ठीक खिलाफ है। पास होता एग्जीक्यूशन होनी है। उसके बाद सबसेक्शन 11 में है लीगल रिप्रेजेंटेटिव। लीगल रिप्रेजेंटेटिव मीन्स अ पर्सन हु इन लॉ रिप्रेजेंट्स द स्टेट ऑफ अ डिसीज पर्सन एंड इंक्लूड्स एनी पर्सन हु इंटरमेडल्स विद द स्टेट ऑफ द डिसीज एंड वेयर अ पार्टी सूज और इज सूड इन अ रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर। द पर्सन ऑन होम द स्टेट डिवोर्स ऑन द डेथ ऑफ द पार्टी सो सुइंग और सो। एक तो इसमें बात कर दी गई है कि जो उसकी डिसीज पर्सन की प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो उसकी प्रॉपर्टी में इंटरमेडलर है, मतलब कि उसकी जिम्मेदारियां देख रहा है, या रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में परफॉर्म कर रहा है। रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में क्या बेसिकली लीगल एयर ही होगा ना, या कोई और भी हो सकता है, एजेंट भी हो सकता है? मैंने हाँ जी दोबारा बोले, मैंने कहा लीगल एयर होगा या एजेंट होगा या कोई भी हो सकता है लीगल कैपेसिटी में या कोई उसका। नॉमिनेटेड पर्सन, कोई भी नॉमिनेटेड। वैसे तो पहली तो होती है ना लीगल हेयर्स होते हैं, लेकिन होता ही है कि जब केस दायर किया जाता है ना, तो उसके साथ लीगल हेयर्स की भी लिस्ट प्रोवाइड की जा सकती है, या फिर अगर कोई नॉमिनेट कर गया तो वो उसको आके अपने आप को पार्टी बनवा ले, ऐसे भी हो हाँ सकता है। ठीक आपको ये ठीक पता है ना कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव बनने के लिए एप्लीकेशन किसके तहत दायर होती है, ये बता दें, वरना मैं आपको आगे चलूं लेके। हाँ। नहीं मुझे नहीं पता किसके तहत होती अच्छा, ये मेरा ख्याल से 90 दिन का पीरियड होता है, और मैंने फाइल भी की थी नहीं, नहीं स्पेसिमेन। किस सेक्शन मैं के बताती तहत गई है? हूँ, नहीं सेक्शन नहीं है, ऑर्डर है, एक मिनट जरा। अच्छा। ये है ऑर्डर 22,
निकालिएगा ऑर्डर 22 के, एक तो है रूल 2 और रूल 3 बन रहा है, जरा आप निकाल के चेक करें, या आप इस इंटर लीगल रिप्रेजेंटेटिव की डेफिनेशन में डाल भी सकती हैं। हाँ जी, एक सेकंड में लिख लेती हूँ। ऑर्डर 22 रूल 2 एंड 3, एक सेकंड। मैं इसी तरह से पढ़ना चाह रही थी ना, मगर पहले हमने फिर रीडिंग की, अच्छी बात है, लेकिन इस तरह से डिटेल में बड़ा अच्छा रहता है, भूलता नहीं था। टू एंड थ्री डिग्री, एक सेकंड, ये 20 आपने बताया, 22, 20, एक तो 21 भी बड़ा भगयाड़ सा है ऑर्डर, पता नहीं आपने कैसे पढ़ा था, मैंने तो हमेशा ऊपर ऊपर से पढ़ा। 21, ये आप ही स्टूडेंट्स को पढ़ा पढ़ा के ना बस हुआ है, वरना सर ने नहीं कोई पढ़ाया था। अच्छा, प्रोसीजर वेयर वन ऑफ सेवरल प्लेंटिफ्स और डिफेंडेंट डाइज एंड राइट्स टू सू सर्वाइव्स, ये वाला प्रोसीजर इन केस ऑफ डेथ ऑफ वन ऑफ सेवरल प्लेंटिफ्स और ऑफ सोल प्लेंटिफ, यही वाले हैं तो। हाँ जी, इसको पढ़ना चाहेंगे, कर लें डिस्कस। हाँ जी, हाँ जी, कर लें। अच्छा एक मिनट जरा रुके, मैं इसको ना अपनी किताब में भी खोलूँ। 22 यही है, उछल उछल के सारी चीजें सामने आएंगी। अच्छा ये जो मुझे बताएं, ये जो हम ऑर्डर देख रहे हैं 22, डेथ मैरिज एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टीज, ये बेसिकली इनका जो स्टेट, हाँ, इनका जो स्टेटस है, जो इनका कैरेक्टर है, उसको जैसे चीजें बदलती हैं, ये उसके बारे में ऑर्डर। हाँ जी, उसका क्या असर पड़ेगा, बिल्कुल सही। अब जरा रूल 2 खुद पढ़ें ताकि आपको इधर ही याद हो, पढ़िए। अच्छा एक मिनट। हाँ जी, प्रोसीजर वेयर वन ऑफ सेवरल प्लेंटिफ्स और डिफेंडेंट्स डाइज एंड राइट टू सू सर्वाइव्स, where there are more plaintiffs or defendants than one and any of them dies and where the right to sue survives to the surviving plaintiff or plaintiffs alone or against the surviving defendants or defendants alone, the court shall cause an entry to that effect to be made on the record and suit shall proceed at the instance of the surviving plaintiff or plaintiffs or against the surviving defendants or defendant. मतलब लीगल रिप्रेजेंटेशन की बात हो गई ना, वो जो बच गए हैं वो करेंगे, ऐसा ही है। अच्छा इसमें, हाँ जी, ये बात की जहाँ पर एक से ज़्यादा, मैं उर्दू में बोलने लगी थी, प्लेंटिव्स और डिफेंडेंट्स हैं और उनमें से अगर कोई सर्वाइविंग रह जाता है, ठीक है, तो इस अफेक्ट के साथ रिकॉर्ड किया जाएगा और सर्वाइविंग प्लेंटिव और प्लेंटिव्स इसको लेके चलेंगे या डिफेंडेंट्स के खिलाफ, ठीक है। अच्छा नहीं, आप ये मुझे बताइएगा कि पहले तो आप कह रहे हैं ना लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स की हम ऑफ कोर्स साथ एप्लीकेशन, एक मिनट सॉरी, ये रूल 2 के साथ ना रूल 3 है ज्यादा, ये है, हाँ ये रूल 3 पढ़े हैं, ये ज्यादा बेहतर है। अच्छा, वेयर वन ऑफ टू और मोर प्लेंटिफ डाइज एंड द राइट टू सू डज नॉट सर्वाइव टू द सर्वाइविंग प्लेंटिफ और प्लेंटिफ्स अलोन और ऑन रिसीप्ट ऑफ एन इंटीमेशन ऑफ द डेथ ऑफ सच प्लेंटिफ फ्रॉम द पर्सन नॉमिनेटेड बाय हिम फॉर दैट पर्पस अंडर रूल 26 ऑर्डर 8 है, 7 है ये ऑर्डर। हाँ जी, ये ऑर्डर 7 है, ऑर्डर 7 प्लेंटिफ से रिलेटेड है। हाँ मेरे यहाँ 8 लिखा हुआ है। अच्छा जी, 7 और सोल प्लेंटिफ और सोल सर्वाइविंग प्लेंटिफ डाइज एंड द राइट टू सू सर्वाइव्स, द कोर्ट ऑन एन एप्लीकेशन मेड इन दिस बिहाफ शैल कॉज द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज्ड प्लेंटिफ टू बी मेड अ पार्टी एंड शैल प्रोसीड विद द सूट। अच्छा ये है बेसिकली। अच्छा अब क्या बात की गई, सुने जरा, दो या दो से ज्यादा प्लेंटिव्स की डेथ हो गई है और राइट टू सू है, वो सर्वाइविंग नहीं रहा, मतलब कोई भी नहीं है, तो जब डेथ के हवाले से इंटीमेट किया जाएगा ना, जिसके हवाले से मतलब किसी को नॉमिनेट किया गया है, जिसका नाम प्रोवाइडेड होगा ऑर्डर 7 रूल 26 के तहत, या कोई भी अगर सोल प्लेंटिव मर जाता है, तो फिर क्या होता है कि जब एप्लीकेशन आती है उसके बिहाफ पे कि मुझे लीगल रिप्रेजेंटेटिव बनाया जाए डिसीज प्लेंटिव का, तो उसको पार्टी बना दिया जाएगा और उसके हवाले से फिर सूट प्रोसीड करेगा, ठीक है। अगर कोई विद इन स्पेसिफाइड टाइम पे एप्लीकेशन नहीं दी गई तो अदालत केस के साथ प्रोसीड कर सकती है और प्रोनाउंस कर सकती है जजमेंट, ठीक है, और इससे ये कोई इफेक्ट नहीं आएगा कि जैसे उसकी डेथ हो चुकी है। देखें, इसको कवर अप करने के लिए सबसे आसान तरीका यह है कि आप इनहेरेंट पावर्स ऑफ द कोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। 151 मेरे साथ भी तो यही मसला हुआ था कि 90 दिन गुजर चुके थे, पता ही बाद में चला, तो वो 151 भी 90 दिन गुजर गए हैं टू बी प्लीडेड एज द पार्टी।
अपने आप को लीगल रिप्रेजेंटेटिव बनाने के लिए ना मेरे पास 90 दिन का टाइम पीरियड गुजर चुका था। मैंने क्या अच्छा किया, 151 की प्रोविजन लगा दी, क्योंकि मैंने जजमेंट में पढ़ा था कि अलाउ किया जा सकता है सफिशेंट कॉज पे, तो अच्छा अलाउ वो हो गई तो थी। कोर्ट की डिस्क्रिशन बन गई ना। हाँ, कोर्ट की डिस्क्रिशन इनहेरेंट पावर्स के तहत हो जाती है, तो मोमन ये मिल जाता है। हाँ जी, अब आपको क्लियर हुआ कि आप हाँ जी, इसमें, अब याद रखिएगा कि ऑर्डर 22 रूल 3 का हवाला देंगी जब प्लेंटिव को एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव आपने बनाना है। आपको अभी तक ये पता चला कि सब सेक्शन 11 में हम ये पढ़ रहे हैं कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है। लीगल रिप्रेजेंटेटिव की 3 कैटेगरीज में ली हैं, जो कि बाय लॉ रिप्रेजेंट कर रहा है उसकी डिसीज पर्सन की प्रॉपर्टी को, जो इंटरमेडलर है उसमें या लीगल करेक्टर में सूट कर रहा है। अब यहाँ से प्रोविजंस आपके पास निकलती हैं ऑर्डर 7 रूल 26, और आपको ऑर्डर 22 रूल 3 मिल जाता है। ठीक है, अब आप ऑर्डर 7 रूल 26 भी ऐड कर सकती हैं। ठीक अच्छा, है। एक और इसमें, एक एक तो और भी हाँ है, एक एक मिनट, एक और भी इसमें पढ़ लीजिएगा। रूल 4 जो है ना, वो डिपेंडेंट के हवाले से। रूल 5 पहले पढ़िएगा, फिर रूल 4 पे आइएगा। इसी का रूल 4 5 पढ़े हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ क्वेश्चन एज टू लीगल रिप्रेजेंटेटिव वेयर अ क्वेश्चन अराइजेज एज हाँ टू वेदर एनी पर्सन इज और इज नॉट द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डिसीज्ड पर्सन डिसीज्ड प्लेंटिफ और अ डिसीज्ड डिफेंडेंट सच क्वेश्चन शैल बी डिटरमाइंड बाय द कोर्ट। आगे भी करना है? हाँ ये क्लियर हुआ है आपको कि इस हाँ जी, सवाल हाँ का जी, तयन के लीगल रिप्रेजेंटेटिव बनाना है कि नहीं बनाना है, ये अदालत डिसाइड करेगी। ठीक है, बिल्कुल ठीक हो, अच्छा, ठीक हो। उसके बाद आप रूल 4 पढ़ें। प्रोसीजर इन केस ऑफ डेथ ऑफ वन ऑफ द सेवरल डिफेंडेंट्स और ऑफ सोल डिफेंडेंट वेयर वन ऑफ टू और मोर डिफेंडेंट डाइज एंड द राइट टू सू डज नॉट सर्वाइव अगेंस्ट द सर्वाइविंग डिफेंडेंट और डिफेंडेंट्स अलोन और ऑन रिसीप्ट ऑफ एन इंटीमेशन ऑफ डेथ ऑफ सच डिफेंडेंट फ्रॉम द पर्सन nominated by him for the purpose under Rule 13, Order 8, or a sole defendant or sole surviving defendant dies and right to sue survives, the court on an application made in this behalf shall cause the legal representative of the deceased defendant to be made a party and shall proceed with the suit. तोबा, कितना घुमा के लिखा हो। जब बेसिकली तो वही। दो एक दो में से एक या एक से ज़्यादा डिफेंडेंट मर जाते हैं और राइट टू सू सर्वाइव नहीं होता कोई भी निरा, तो जब डेथ के लिए इंटीमेट किया जाएगा तो जो नॉमिनेटेड पर्सन होगा, जिसे ऑर्डर 8 रूल 13 के तहत नॉमिनेट किया जाएगा, वो एप्लीकेशन देगा कि मैं डिसीज पर्सन के बिहार पे एज अ लीगल लीगल रिप्रेजेंटेटिव पार्टी बनना चाहता हूँ, तो वो लाजमी तौर पर अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, और साथ ये है कि, हाँ जी आगे पढ़े ना नहीं सबसे। बेसिकली, नहीं बेसिकली ये जो आप बता रहे हैं ये डिफेंडेंट और प्लेंटिव दोनों के बन सकते हैं ना लीगल ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव मैं अपनी अपनी इसीलिए तो ऐड एप्लीकेशन करवा दे रही के। हूँ, हाँ इसीलिए तो करवा रही हूँ कि हाँ लीगल रिप्रेजेंटेटिव को लंबा चौड़ा। आपको पता है इस दफा ये जब मैंने पेपर दिया था ना, ये क्वेश्चन आया था, पूछा क्या गया, अच्छा। इंटरमेडलर। अब उस टाइम सीपीसी नहीं इतनी अच्छी थी, मैं पता बाद में पता चला कि इंटरमेडलर तो इसमें है। हाँ, इंटरमेडल तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी होता है ना इंटरमेडल अब बेसिकली। 2 क्लॉज पढ़े हैं। टू क्लॉज। अच्छा जी, इसमें है जी, एनी पर्सन सो मेड अ पार्टी मे मेक एनी डिफेंस अप्रोप्रिएट टू हिज कैरेक्टर एज लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज्ड डिफेंडेंट। आगे भी पढ़ो। हाँ, पढ़े हैं, मैं सुन रही हूँ। व्हेन विद इन द टाइम लिमिटेड बाय लॉ नो एप्लीकेशन इज मेड और इंटीमेशन इज गिवन अंडर सब रूल 1 द कोर्ट मे प्रोसीड विद द सूट एंड एनी ऑर्डर मेड और जजमेंट प्रोनाउंस्ड इन सच सूट शैल नॉट विदस्टैंडिंग द डेथ ऑफ सच डिफेंडेंट हैव द सेम फोर्स एन इफेक्ट एज इफ इट हैड बीन प्रोनाउंस्ड बिफोर द डेथ टुक प्लेस। आगे, इट शैल नॉट बी नेसेसरी टू सब्स्टिट्यूट द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एनी सच डिफेंडेंट हु हैज फेल्ड टू फाइल अ रिटन स्टेटमेंट हैज फेल्ड टू अपीयर एंड कंटेस्ट द सूट एट द हियरिंग एंड जजमेंट मे इन सच केसेस बी प्रोनाउंस्ड अगेंस्ट द सेड डिफेंडेंट नॉट विदस्टैंडिंग हिज डेथ एंड सच जजमेंट शैल हैव द सेम फोर्स एंड इफेक्ट एज इफ इट हैड बीन प्रोनाउंस्ड बिफोर हिज डेथ टुक प्लेस। अच्छा, इसमें मुझे बताएं कि अगर वो हाँ नहीं जी, करता, लेट सपोज अपने आप को नहीं प्लीड करवाता एज लीगल रिप्रेजेंटेटिव, तो अगर वो खुद फौत हो जाता है तो बाद में उसकी जो इन्फोर्समेंट उसके लीगल लेयर्स की अगेंस्ट फिर भी होगी, वो पार्टी नहीं भी है तो। नहीं, इसमें यह लिखा गया कि अदालत फिर फर्दर प्रोसीड करेगी और प्रोनाउंस कर सकती है जजमेंट, मतलब फिर जो अवेलेबल होगा उसी के मुताबिक डिसीजन दे दिया जाएगा। नहीं, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, जिस तरह प्रॉपर्टी उनके लीगल लेयर्स के नाम है, लीगल लेयर के कब्जे में है, पोजेशन में है, तो फिर किस तरह से होगा वो लीगल लेयर, उसको कोर्ट में उनको करना पड़ेगा एज पार्टी ऐड, हुँ?
एज पार्टी ऐड करना पड़ेगा कोर्ट में उनको एग्जीक्यूशन के नहीं, लिए? जब नहीं देखे ना, नहीं, जब अलाउ ही नहीं हुआ तो जो अवेलेबल होगा उसके मुताबिक डिसीजन दे दिया जाएगा, और प्रिजम्पशन ये लेट डाउन होगी कि जैसे कोई वो उसकी डेथ ही नहीं हुई, जब पार्टी के तौर पे एडमिट हुआ ही नहीं है तो प्रिज्यूम यही किया जाएगा ना। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, तो उसमें एग्जीक्यूशन में कोई फर्क तो नहीं आएगा? एग्जीक्यूशन खिलाफ होगी तो फर्क तो आ गया ना, ठीक है, जब कोई होगा ही नहीं। अच्छा खैर, आपकी बात को समझाने के लिए ना ये रूल वन पढ़ दें इसका, इसी का। हाँ, ताकि वो जो आप कह रही हैं कि खत्म होगा कि नहीं होगा राइट, तो रूल वन पढ़ दें। अच्छा, इसका रूल वन कहता है जी कि नो अबेटमेंट बाय पार्टीज डेथ इफ राइट टू सू सर्वाइव्स, द डेथ ऑफ प्लेंटिफ और डिफेंडेंट शैल नॉट कॉज द सूट टू अबेट इफ द राइट टू सू सर्वाइव्स। ठीक है, ठीक है, क्या समझ आई है? मतलब ये कि अगर तो पार्टी की डेथ हो भी जाती है और वो जो हो गए सूट जो होगा वो खत्म नहीं होगा, ऐसा ही है ना? देखें, द डेथ ऑफ प्लेंटिफ शैल नॉट कॉज द सूट टू अबेट इफ द राइट टू सू, अगर राइट सर्वाइव करता है। अच्छा खैर, ये कुछ और है, राइट सर्वाइव करेगा, अगर राइट सर्वाइव करता है तो दावा दायर करने का हक नहीं खत्म होगा उसकी डेथ से, लेकिन यह है कि जब कोई बना ही नहीं है तो जाहिर बात है जो अवेलेबल होगा उसके मुताबिक फैसला दे दिया जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, ये जो हाँ, ये जो आमिर रजा की सीपीसी है उसका कोई फायदा है पढ़ने का इसके साथ? अगर आप पढ़ना जानते हो तो फायदा है, जहाँ समझ ना है, जहाँ समझ ना है और थोड़ा सा और इलेबरेट। अच्छा, इसमें जरा इंटरमेडलर भी देख लेते हैं। अब रुके, अब खोला है तो उसको अच्छे से खंगाल दें। ठीक है, निचड़ ना जाऊं मैं। सही है। An officious intermeddler is a person who voluntarily and without request or pre-existing legal duty interjects him or herself into the affairs of another. मतलब मामला देख रहा है और and then seeks remuneration for services or reimbursement. मतलब जितना काम किया है उसने वो उसके लिए मांग रहा है कि मुझे आप ये पे करते हैं। अच्छा, नहीं तो ये कोई भी हो सकता है या क्या? कोर्ट या कोर्ट किसी लीगल एयर को बनाएगी इंटरमेडलर? क्या ऐसे हो? तो नहीं, हाँ कोई तो होगा, ऐसे थोड़ी होता है, वही ना, तो कोई एप्लीकेशन अच्छा, देता है कोर्ट। हौसला, एक मिनट। नोट्स बनाए थे क्लास में, डिक्टेट करवाया था इंडियन अथॉरिटी से ना। अच्छा, इधर उधर हो गया। अच्छा, इसमें जो रेलेवेंट है वो निकाल लेते हैं। एक तो आपको पता चल गया ना कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 11 में लीगल रिप्रेजेंटेटिव को डिफाइन किया गया है। ठीक है, अब इसमें देख लें, उसने टर्म को आगे स्पेसिफाई कर दी कि ना सिर्फ वो बंदा शामिल है जो उसकी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है बल्कि इंटरमेडलर भी शामिल है। ठीक है, अच्छा ये देखते हैं, बट ऑल्सो इंक्लूड्स एनी पर्सन हु इंटरमेडल्स विद द स्टेट ऑफ द डिसीज्ड, ऑल्दो सच इंटरमेडलर मे नॉट इन लॉ रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ अ डिसीज्ड पर्सन। मतलब जरूरी नहीं है कि वो बायलॉज की प्रॉपर्टी को कर रहा हो, ये कोई भी पर्सन हो सकता है। अब इसकी प्रोविजंस को आगे स्प्लिट करते हैं। देयरफॉर इफ द कॉज ऑफ एक्शन सर्वाइव्स आफ्टर द डेथ ऑफ पार्टी, द प्रोविजन ऑफ ऑर्डर 22 रूल 1 ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर आर अट्रैक्टेड। मैं सही पहुंची हूं। The suit cannot be set to abate if the right to sue survives. Thereafter, the provision of Order 22, Rule 3 and Order 22, Rule 5, CPC, Civil Procedure Code, would be attracted. The fact of an order passed under Order 22, Rule 5 would not be to confer on the intermeddler any right or title interest if there be none. Such an order is only for the purpose of the suit itself. मतलब कि Order 22, मुझे केस लॉ लिखवा देंगे जरा? हाँ हाँ, मैं ये आपको सारा कॉपी पेस्ट करती हूँ।
ऑर्डर 22 रूल 5 के तहत इंटरमेडलर पेयर कोई राइट नहीं क्रिएट कर रही, लेकिन ये सिर्फ सूट के पर्पस के लिए होता है। द राइट ऑफ द इंटरमेडलर हैज़ टू बी एडजुडिकेटेड अपॉन इंडिपेंडेंसी ऑफ सच ऑर्डर, हैज़ टू बी एडजुडिकेटेड अपॉन इंडिपेंडेंसी ऑफ सच ऑर्डर। ये कौन सा AIR करके है कोई इसकी साइटेशन? पहले तो ये क्या मसला है, खैर मैं पिक भेज दूं। हाँ जी भेज दें। एक कल्याण मल मिल्स वर्सेस वली मोहम्मद, वली मोहम्मद लिखा हुआ। एक एक मिनट, ये बता दीजिएगा कि रीडेबल है कि नहीं। ये आपने कहाँ भेजा, व्हाट्सएप पर? नहीं, मैं आपको इसी पे स्काइप पे भेज रही थी, वहाँ से सेव करके व्हाट्सएप पे भेज दूँगी। अच्छा, आप थोड़ा सा इसको आगे देखें जी जी यहाँ से स्क्रीन पे, कि हाउ एवर द लर्न काउंसिल फॉर द पटिशनर अर्ज डेट द फ्रेज इंटरमेडलर वुड नॉट इंक्लूड अ रैंक ट्रेसपासर, लेकिन इसमें ट्रेसपासर नहीं आता। ठीक है, अब यहाँ पर केस रेफरेंस दिया गया है AIR 1926 कलकत्ता 825, वेयर इन इट वाज हेल्ड दैट अ पर्सन टेकिंग अवे अ पोर्शन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ अ डिसीज्ड मैन डज नॉट गेट अ राइट टू बी सब्स्टिट्यूटेड एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव मेयरली बिकॉज ऑफ हिज पोजेशन ऑफ अ पोर्शन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द डिसीज्ड इन द फेस ऑफ अदर लीगल रिप्रेजेंटेटिव हु आर इन पोजेशन लॉफुली। अच्छा, एक बंदा जो अपना पोर्शन ले लेता है प्रॉपर्टी का, आप उसको ऐसे सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते कि वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव बन गया है सिर्फ पोजेस करने की वजह से। ठीक है, ठीक है। देयर कैन बी नो डाउट दैट अ रैंक ट्रेसपासर हैज नो राइट टू क्लेम टू कंटिन्यू द सूट आफ्टर द डेथ ऑफ अ पार्टी ऑन अकाउंट ऑफ हिज लॉफुल अनलॉफुल ट्रेसपास। आई डू एग्री विद द प्रोपोजिशन दैट अ रैंक ट्रेसपासर आउट नॉट टू बी अलाउड टू कंटिन्यू एन इनफ्रक्चुअस लिटिगेशन। मतलब ट्रेसपासर को तो नहीं अलाउ किया जा सकता ना कि वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर आपको प्लीड करें। ठीक है, ये मैं आपको ना पूरा, ये क्या कहते हैं, इससे बेहतरीन आपको नहीं मिल सकता, मुझे बिल्कुल लगता सही। ये इसमें से आपको निकलेगा। मुझे आप अपने रजिस्टर पे कल लिख के दिखाएंगी, मैं देख लूँगी तो मुझे अच्छा, तसल्ली हो जाएंगी कि आपने बाकी लिख लिया। एक सेकेंड, ये जो आपने मुझे लिंक्स भेजे ये मैं कॉपी कर लूँ। इसे पढ़ के कल आपने फाइंडिंग से अलहदा करनी है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव को मजीद तोड़ना है। ठीक है, वो बस ये कैसे आपके ये दो पैराग्राफ इम्पोर्टेंट थे, पैराग्राफ नंबर 5 और 6 आपने पढ़ना है। आपकी बात 4, 5, 6 में बयान कर दी गई है, उसके बाद अच्छा ये 8 में एक लाइन पढ़ें, देयरफॉर अ पर्सन इन पोजेशन ऑफ द स्टेट ऑफ द डिसीज कैन सर्टेनली बी प्रोसीडेड अगेंस्ट ऑल्दो ही मे नॉट हैव अ लीगल टाइटल, हाउएवर सच पोजेशन डज नॉट इंटाइटल हिम टू कंटिन्यू सूट एज अ प्लेंटिव ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट। सिर्फ पोजेशन की बेस पे आपको लीगल टाइटल के लिए इंटाइटल नहीं किया जा सकता कि दावा भी लड़ने का आप अख्तियार रखें। ठीक हो गया? ठीक है। एक मिनट,
एट में से देख लीजिएगा अगर आपको कोई रेलेवेंट मिले, क्योंकि वो अनलॉफुल पोजेशन की बात कर रहा है। ठीक है। फिर ये जहाँ पर जहाँ का है ना कि 10 पैराग्राफ में, इधर से देखें जहाँ मेरा एरो जा रहा है, इन माई ओपिनियन द वर्ड इंटरमेडलर हैज़ बिन यूज इन इट्स ऑर्डिनरी मीनिंग ऑफ अ पर्सन हु मेडल्स विद द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर विदाउट एनी राइट देयर टू एंड एट लीस्ट इन एग्जीक्यूशन वेयर अ डिग्री हैज़ बीन लीगली ऑब्टेंड अगेंस्ट द प्रॉपर्टी द इंटरमेडलर मस्ट बी ट्रीटेड एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव फॉर पर्पजेज ऑफ द कंटिन्यूस ऑफ द एग्जीक्यूशन अंडर सेक्शन 50। तो अब आपको सेक्शन 50 का भी यहाँ पर हवाला मिल गया है। सेक्शन 50 करें ये, इसको करके ना मेरे ख्याल से कल लेके चलेंगे, ये ना लंबा चला जाना है। आप इसको हाँ ना जी, हाँ जी, हाँ बिल्कुल सही है। 50 नहीं का जो ठीक है, यहाँ लीगल, तक हमने हाँ कर लिया ना, 11 तक कर लिया। आपने मुझे केस लॉ का सारा भेज दिया, उसके अंदर ये से कल डिटेल। आपने मुझे लिख के देना, टाइप फॉर्म में आना चाहिए मेरे पास हाय क्या, ये आपका, ये जो इंटर लीगल रिप्रेजेंटेटिव के वाले से। टाइपिंग अच्छा पसंद है या ज़्यादा लिखना पसंद है? लिखना ठीक है, टाइपिंग में कौन अच्छा जाए। अच्छा चलो ठीक है। इसमें कहा है कि जजमेंट डेटर अगर डेथ हो जाती है ना तो उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स के खिलाफ एग्जीक्यूशन हो सकती है, ये 50 में बताया गया। दोबारा से बताएंगे क्या क्या है मैं बताए। तो बात मैं बताती हूँ कि जजमेंट डेटर जब वफात पा जाता है ना तो उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को उसकी प्रॉपर्टी के हवाले से लाइबल किया जा सकता है, उसकी ठीक प्रॉपर्टी ठीक के ठीक अंदर। ये बात सेक्शन 50 में बताई गई है। ठीक है, ये आपने इंटरमेडलर निकालना है, ठीक है। जहाँ जहाँ इंटरमेडलर का जिक्र आ रहा है ये काम सुबह मुझे करके दिखाएं, मैं इसको फर्दर ठीक फिर है, प्रोसीड करती हूँ। अच्छा टॉपिक है लेकिन इसको ज़रा सुकून से करते हैं। बिल्कुल ठीक है। ठीक है चलें इसको यहाँ तक करें। ओके जी।